अवधेश प्रसाद जी थे उन्होंने जो है इसको इस्तीफा दे दिया पदय का ही और दे करके जो है संसद का चुनाव लड़े, हाँ। संसद सदस्य हो गए, हाँ। तो इसमें कोई बहुत बड़ी व्यवधान नहीं थी उनकी रिट याचिका अपने आप में, वो तो स्वतः ही अगर एक वर्ष से कार्यकाल चाहे वो संसद का हो चाहे विधानसभा का, अगर कोई इस्तीफा दे करके चुनाव दूसरा लड़ता है तो उसके अंतर्गत जो है एक साल से अगर समय ज्यादा बचता है तब चुनाव जो है कराया जाए 6 महीना के अंतर्गत, और 6 महीना के अंतर्गत चुनाव करा करके विधायक की नियुक्ति कर देना है। जी जी जी। मिल्कीपुर उपचुनाव में पर जो ग्रहण लगा था अब वो बादल छट चुके हैं, क्योंकि गोरखनाथ बाबा की याचिका वापस हो गई कल कोर्ट में, लेकिन अभी एक PIL वहां पर पड़ी है जिसकी सुनवाई कल होनी है। PIL को दाखिल करने वाले हमारे अश्विनी पांडे जी समय साथ में हैं, इनके आप सीनियर हैं, गुरु जी हैं, पवन कुमार तिवारी जी साथ में हैं, चूँकि एक अड़चन है उसकी सुनवाई कल होनी है। हमारे साथ अश्विनी पांडे जी हैं। सर, याचिका तो वापस हो गई गोरखनाथ बाबा की, तो क्या अब माना जाए कि अब संकट टल गया चुनाव होगा? हाँ, संकट टलने का विषय उसके पहले भी उनके याचिका का मतलब कुछ नहीं था। अच्छा। निर्वाचन आयोग ने गलत तरीके से 9 विधानसभाओं की जो है वो घोषणा की चुनाव की। अच्छा, अच्छा। और एक हमारा जो मिल्कीपुर था उसको छोड़ दिया गया। जी जी। हाँ, जब उसमें जो है अवधेश प्रसाद जी थे उन्होंने जो है इसको इस्तीफा दे दिया पदय का ही और दे करके जो है संसद का चुनाव लड़े, संसद सदस्य हो गए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी व्यवधान नहीं थी उनकी रिट याचिका अपने आप में, वो तो स्वतः ही खत्म थी। आपने PIL दाखिल, हाँ, PIL क्या है? हाँ, PIL का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में से कहते हैं जनहित याचिका, हाँ। है ना, तो हम लोगों ने एक विचार बनाया मिल्कीपुर से कि जो है हमारा यहाँ विकास नहीं हो पाएगा और हमारी विकास की जो वो है विधायक की तरफ से वो कार्य प्रणाली बिल्कुल ही ठप है, तो इससे हम लोग गए वहाँ हाईकोर्ट और जो है एक रीट फाइल किया, हाँ। कि जो है इसकी विधिक व्यवस्था है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के तहत ये व्यवस्था निहित है कि अगर एक वर्ष से कार्यकाल चाहे वो संसद का हो चाहे विधानसभा का, अगर कोई इस्तीफा दे करके चुनाव दूसरा लड़ता है तो उसके अंतर्गत जो है एक साल से अगर समय ज्यादा बचता है तब चुनाव जो है कराया जाए 6 महीना के अंतर्गत, और 6 महीना के अंतर्गत चुनाव करा करके विधायक की नियुक्ति कर देना है। जी जी जी। है ना, तो वो जो है डिले हो रहा था, जब डिले हो रहा था तो उसी के लिए हम लोग वहाँ गए और सुनवाई है, तो जो है कल जो है डेट लगी हुई है। कल क्या लगता है आप? कल संपूर्ण ये लगता है कि हमारी फाइल जो है टेकअप होगी और डायरेक्शन जो है गवर्नमेंट को और जो है इलेक्शन कमीशन को दोनों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये जो है डायरेक्शन मिलेगा, ये डायरेक्शन मिलेगा। पवन तिवारी जी हैं हमारे साथ में, है वरिष्ठ अधिवक्ता, अश्विनी जी के सीनियर हैं, आप ही के सानिध्य में आप वकालत करते हैं, और आप चूंकि मिल्कीपुर के रहने वाले हैं इसलिए जनहित को लेकर आपने PIL दाखिल किया था, लेकिन अब पवन तिवारी जी ये बताएंगे कि चूंकि अब गोरखनाथ बाबा की याचिका वापस हो चुकी है, इसलिए उनके जो शिष्य हैं अश्विनी पांडे जी और दूसरे प्रभुनाथ तिवारी जी वो मौके पर नहीं है, चूँकि अभी कोर्ट की सुनवाई चल रही कि यहीं बहस करने गए हैं, संजोग से नहीं मिल पाए। सर तिवारी जी ये बताइए, अब याचिका तो वापस हो गई, अब आपके जो शिष्य किए थे PIL उसका औचित्य क्या है? औचित्य क्योंकि मेरी जो याचिका थी वो इस रीट के खत्म होने से पूर्व की थी, हाँ हाँ, क्योंकि अब कोर्ट में कंडीशन होने के साथ उस समय कल की डेट में नहीं लग पाई, और कल की डेट में लगी हुई है जो कल की डेट में लगी हुई है, हाँ। उस पर कोर्ट एक ऐसा आदेश करेगा, हाँ। निर्वाचन आयोग को और फैजाबाद के प्रशासनिक अधिकारियों को कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए जिससे मिल्कीपुर वासियों जनता को अपना एक नया प्रतिनिधि मिले जो वहाँ के विकास को सुचारू रूप से चला सके। जी जी। अगर ये आदेश नहीं होता है और जल्द से जल्द चुनाव नहीं किया कराया जाता है तो वहाँ की जनता वहाँ के विकास से रूबरू रहेगी। जी जी। वो कुछ देख नहीं पा रही है। जी जी। वहाँ का विकास ठप हो चुका है। जी जी। और अगर न्यायालय हमारे याचिका पर ध्यान देगी तो जल्द से जल्द उस पर चुनाव कराए जाने का आदेश निर्वाचन आयोग को और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को दे सकती है। मतलब एक, एक नहीं देती जी, है जी, तो वो PIL मैं स्वतः अपने आप से विड्रा कर लूँगा, विड्रा कर लूँगा, विड्रा कर लेंगे। मतलब एक जो मैंडमस होता है आपके यहाँ, क्या माना जाए कि वो मैंडमस की तरह काम करेगी? हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी, करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा।
अगर नहीं करती है तो हमारी मिल्कीपुर जनता अपने विकास से और वहाँ के जन अपने जनप्रतिनिधि से विकास से वंचित रह जाएगी। आप हैं पवन तिवारी जी, आपका कहना है कि ये चूंकि PIL एक मैंडमस का काम करेगी, एक जल्द चुनाव कराने के लिए एक तरह से दबाव बनेगा। कोर्ट ये भी कह सकती है कि चूंकि इनकी याचिका में ये भी कल डायरेक्शन हो सकता है कि तुरंत अब चुनाव कराया जाए, चूंकि सारे व्यवधान थे ख़त्म हो चुके हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का आदेश नहीं भी करती, डायरेक्शन नहीं देती, तो अपने आप ऑटोमेटिक उस याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रह जाता है और चुनाव अब जल्द से जल्द होना है। इसलिए चुनाव के लिए जनता को बधाई कि इन लोगों का जो है जितने लोग अधिवक्तागण हैं इनका दबाव कम आया। कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित हो जाएगी। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।